कै दिन तक ईंटा चलेगा आप अटलाइए पंडित जी का बन जाए कौन गिरवाए हैं साथी कै दिन तक ईंटा जाएगा ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा घटिया ईंट से खड़ंजा निर्माण सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का कार्य कर रहे ठिकदार घटिया खड़ंजा निर्माण कार्य से महज 1000 मीटर की दूरी पर रहते हैं विकासखंड अधिकारी जिनकी आंखों पर बंद गई है काली पट्टी सोचने और समझने की बात यह है कि सब कुछ मालूम होने के बाद भी क्यों चुप रह जाते हैं उच्च अधिकारी देखकर और सुनकर आप चौंकिएगा मत क्योंकि यह कुशीनगर जनपद में पहला मामला नहीं है सोशल मीडिया अखबार और न्यूज वेबसाइट के माध्यम से हर रोज कहीं ना कहीं से इस तरह का मामला सुर्खियों में बना रहता है यह मामला जनपद कुशीनगर के विकास खंड दुदही अंतर्गत ग्राम सभा बांस गांव का मामला प्रकाश में आया है जहां सरगटिया से गुरपत्ती को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर खड़ंजा निर्माण हेतु सैकड़ों ट्रॉली घटिया किस्म का ईंट गिराया गया है वीडियो में देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस घटिया किस्म के ईंट से बना खड़ंजा कितने दिन तक चल सकता है जो कि अनुपात 200 से 300 मीटर का खड़ंजा निर्माण कार्य हो चुका है बता दें कि खड़ंजा निर्माण में प्रयोग होने वाला ईंट काफी घटिया किस्म का है जो कि हाथ से मसलने के बाद भूर भूरा बन जा रहा है जो कि आप सभी को तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रही है एक तरफ देखा जाए तो प्रदेश व केंद्र सरकार विकास कार्य को लेकर काफी बजट खर्च कर रही है ताकि रोड बिजली पानी पक्का मकान हर तरह की सुविधा सभी जनमानस तक पहुँच सके लेकिन यहाँ पर कुछ ठेकेदार कर्मचारी व ग्राम विकास अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते नजर आ रहे आखिर में कब खत्म होगा करप्शन कब बैठेगी इन भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच? इस तरह के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के चलते सरकार के प्रति जनता के दिलो दिमाग से विश्वास घटता हुआ नजर आ रहा है चक्रोड को बनवाने के लिए और आप लोग इसका स्थिति देखने के बाद से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कै दिन तक चलने वाला है और कितना दिन तक चलेगा ये देख लीजिए आप और सभी ईंटा भैया हम ये नहीं कहेंगे कि ईंटा ये 2 नंबर है 3 नंबर है 4 नंबर है हम ये कहे नहीं जाएंगे कि आपको कैमरे में सीधे दिखा रहे हैं कि इस ईंटे की क्वालिटी क्या है ये देख लीजिए ये ईंटा है देख लीजिए ईंटा क्वालिटी देख लीजिए हम ये नहीं कहने जाएंगे कि देख लीजिए कहाँ तक है लीजिए।